देखो कैसा समय ये आया, भय का जैसे कोहरा छाया। इस डर को लेकिन हमने हिम्मत से है दूर भगाया। बाजारों में रौनक फिर से, हर चेहरे पर मुस्कान। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान। उमाकांत का पाव हो गया, शंकर शुक्ला का दूध दे आए, जिमी अहमद कैसा नाम है, छोड़ो नाम से क्या करना है, का भी तेल मसाला हुआ है। अब आत्माराम यादव जी का फल सब्जी बचा है, इसको भी दे दिया जाए। सुबह सुबह ससुरा इतना ना सामान मंगा लेते हैं लोग, क्या कहें। हे, अरे भैया तुम यहाँ? अरे हमारा घर है तो हम ही रहेंगे ना, तुम आओ सामान दो। अरे भैया हम त्रिभुवन। अरे भैया तुमको तो पहचाने में नहीं आए बिल्कुल। क्या बताएं भैया, ये मांस पुस में लोग को पहचानना ही मुश्किल। अरे भैया छोड़ो कुल बात, आइए पहले बैठा जा, बैठ के बात करें। देखो भैया बैठेंगे जरूर, लेकिन घर के अंदर नहीं, आओ बाहर। नहीं बाहर बैठते। अरे भैया हमको तो पता नहीं था तुम यहाँ रहते हो। अरे भैया जब बच्चा हुआ तो सोचे कि अच्छी जगह बड़ा होगा तो अच्छी बातें सीखेगा, उसी में हमको एक ठू नौकरी मिल गई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की, तो यहीं चले आए। बढ़िया सोचे भैया, बहुत बढ़िया किए जो इधर आ गए। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम कैसे ही सामान सप्लाई वाले काम में घुस गए? जान ही रहे हो भैया, पता नहीं कौन कोरोना नाम का एक वायरस पूरा तबाही मचाया हुआ है, सारे लोग बहुत कष्ट में हैं। लॉकडाउन तो ईश्वर की कृपा से ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी घर से बाहर निकलने में लोग हिचकिचाते हैं, और खुद सामान लेने जाओ तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसी को लेकर प्रशासन को कुछ लोग चाहिए थे, वॉलंटियर। वॉलंटियर? अच्छा, तब उसी में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला। देखो भैया हम तो टपाक से फार्म भर दिए। बहुत बढ़िया किए भैया, आप ही लोग के वजह से हम लोग का बहुत आराम है, जो सामान चाहिए तुरंत मिल जाता है। लेकिन भैया ये वायरस है का चीज और ये फैलता कैसे है, तुमको तो पता ही होगा। अरे तुम ऐसे समझ लो, एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा जैसा चीज होता है जो कि आंख से नजर नहीं आता है। अगर तुम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो भैया तो समस्या बढ़ सकती है, या जब वो छींकता है और उसकी छींक तुम्हारे हाथ या कपड़े पर लग के आंख मुंह नाक से अंदर चला गया तब समस्या बढ़ जाती है भैया। इसीलिए तो हम मास्क पहन के घूमते रहते हैं और अपना हाथ चेहरे से दूरे रखते हैं कि अगर हाथ में वायरस होगा भी तो अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, तभी लोग मास्क के पीछे इतना पगलाए हुए हैं। लेकिन ये मास्क आता तो बहुत तरीके का है, समझे में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला लें। देखो भैया, और सुने हैं कि लोग 10 गुना दाम लेकर नकली मास्क बाजार में बेच रहे हैं। मास्क आता तो बहुत तरह का है, लेकिन हम लोगों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है। ये तुमको कौनो दवाई की दुकान में मिल जाएगा, असली असली एकदम असली। और वो जो 95 करके मास्क है वो N95 कहते हैं उसको, वो खाली डॉक्टर लोगों के लिए है और उसके लिए जो कोरोना के मरीज का सीधा इलाज करते हैं, उनको तो ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है ना भैया। हम तो भैया मास्क उसके चक्कर में पड़े ही नहीं, हमारा काम तो गमछे से चल जाता है, इसको 2-3 बार लपेट लेते हैं कहीं भी बाहर जाने के पहले। बहुत बढ़िया काम करते हो भैया, मोदी जी भी कह रहे थे कि आम जनता को मास्क खरीदने की कोनो आवश्यकता नहीं है, घर में ही कपड़ा का मास्क बना के पहनो। और जो बाजार वाला मास्क होता है ना, 6 घंटा के बाद उसको फेंकना पड़ जाता है, और 6 घंटा के पहले अगर भींग गया तो भी फेंकना पड़ जाता है। और ये कपड़ा वाला मास्क तो तुम धो के फिर पहन सकते हो अगले दिन, लेकिन बाजार वाला नहीं पहन सकते हो। लेकिन भैया एक बात का ध्यान देना, अपना मास्क भाभी और बच्चे को कभी मत देना, नहीं तो तुम्हारा वायरस उनके में चला जाएगा। बात तो तुम सही है कह रहे हो, लेकिन हमको कोरोना वोना थोड़ी हुआ है, हम तो एकदम ठीक ठाक हैं। अगर इस कोरोना से बचना चाहते हो भैया तो ये मान के चलो कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है उसको कोरोना है,
सकता है कि कोई भी डॉक्टर खाली कोरोना का इलाज करता है, उसे बचाता नहीं है। इसलिए इस कोरोना से हमको बचना खुद ही है, और जब तक इसका टीका नहीं निकल के आता है ना, तब तक हमको खुद ही इससे बचाव करना है। लो भैया चाय पियो। अच्छा कि तुम कागज एक कप में ले आई हो, इससे चाय भी पी लेंगे और कोरोना भी नहीं होगा। हम तो अपनी पूरी व्यवस्था करके रख लिए हैं, कोई भी आए चाय भी दे दे और कप की चिंता भी ना हो। वो जो फल और सब्जी आए थे ना, उसको पानी में बढ़िया से धो के रख लिया है। और तो और भैया, ये जब भी बाहर से आते हैं इनके कपड़ों को अलग से धोती हूँ और नहाने को कहती हूँ। सारा घर देखिए, अंदर बाहर पूरी साफ सफाई रखी है, ना गंदगी होगी ना कोरोना आएगा। आजकल तो हम दोनों वो तुलसी और जो काढ़ा अदरक वाला काढ़ा होता है ना, रोज सुबह पीते हैं। वो टीवी में देखा था कि उससे पीने से मजबूती भी आएगी और वायरस भी नहीं आएगा। गजब भाभी, गजब का काम कर रही हैं आप। और छोटे उस्ताद, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? और आजकल तो इन लोगों की पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है, दिन भर मेरा मोबाइल इसी के पास रहता है। चलो देखो भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई चलती रहे। बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी बीवी मिली है तुमको। अब तो हमको भी शादी करने का मन हो रहा है। अरे खोजा जाएगा, काहे इतना परेशान हो। उससे पहले ये बताओ कि कोरोना से बचने के लिए मास्क के अलावा भी कोनो तरीका है का? अरे बिल्कुल है। एक तो कभी भी कहीं बाहर का कुछ छुओ या किसी बाहर के आदमी के संपर्क में आओ तो भैया हाथ धोने की आदत तो डाल लो। ये देखो, ये हम रखते हैं एक कागज वाला साबुन। WHO का कहना है हाथ बार बार धोने से ये वायरस मर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर बार बार हाथ मुंह पर लेके जाओगे। ये देखो, ये है सैनिटाइजर। हाँ भैया, बहुत सुने हैं सैनिटाइजर के बारे में। देखो भैया, कभी भी बाहर जाओ और साबुन पानी ना हो तो सैनिटाइजर से हाथ धो सकते हो। हम तो कहेंगे कि वो खरीद के पैकेट में रख लो, लेकिन एक बात का ध्यान देना भैया कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 60% हो। अच्छा एक बात बताओ, हाथ धोते कैसे हो? हाथ धोते कैसे हैं, ये कैसा सवाल है? जैसे धोते वैसे धोते हैं। कैसे धोते हो? ऐसे हाथ लिया साबुन, ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं, दूसरी बार हो जाता है। आज एक नया चीज जान लो भैया, सुमन के। सुमन के? देखो, S से सीधा, U से उल्टा, M से मुट्ठी दोनों हाथ का, A से अंगूठा, N से नाखून और K से कलाई। और ऐसे तुम अगर 20 से 25 सेकंड तक धोते हो ना हाथ, तो तुमको संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। त्रिभुवन भैया, जैसा लग रहा है कि अब तक हमको कोरोना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी। अरे त्रिभुवन कहाँ रह गए? ऑर्डर आया है आत्माराम यादव जी के यहाँ से, जल्दी आओ और ले जाओ। आत्माराम यादव, फिर कुछ मंगाए हो का? हाँ, दूध खत्म हो गया था, दूध का ऑर्डर दिए हैं। रहने दो, हम जाएंगे अभी तो ले लेंगे। अच्छा गुप्ता जी। हाँ। अब आत्माराम जी खुद ही आएंगे दूध ले आने? खुद ही आएंगे। अरे अरे भैया एक काम करो, चलो साथ में दुकान चल लेना और वहां से फिर अपने घर निकल लेंगे। नहीं भैया, न्यूज में देखे थे एक मोटरसाइकिल पे 1 आदमी को जाना है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होगा। सही कह रहे हो भैया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। चलो तुम बढ़ो, हम आते हैं पीछे। चलो भैया, दुकाने पर मिलते हैं फिर। अरे प्रोफेसर साहब, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो गांव गए थे, वहाँ लॉकडाउन में फंस गए, अब बस चलना शुरू ही है तब आप आए हैं आत्माराम। बस? बस में यात्रा करने में खतरा नहीं है क्या प्रोफेसर साहब? उसमें तो कई तरह के लोग यात्रा करते हैं, तो इससे बीमारी तो तेजी से फैल सकती है। खतरे की कोई बात नहीं है आत्माराम, 3 लोगों की सीट में बस में अब 2 ही लोग बैठते हैं और दोनों मास्क पहने रहते हैं। गाड़ी चलने के पहले और जब गाड़ी पहुंचती है, उस गाड़ी को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है और सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, तभी उनको गाड़ी में बैठाया जाता है।
फिर भी अगर बीमारी हो गई तो लक्षण आने के पहले तो पता ही नहीं चलता कि कोरोना हुआ है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है आत्माराम, लेकिन खतरे के लक्षण की जानकारी के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के बारे में तो बहुत सुने हैं, लेकिन इससे होता क्या है? सरकार का ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कोरोना संक्रमित मरीज तुम्हारे कितने आसपास है। इसे ध्यान में रखते हुए तुम अपनी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सकते हो, और अगर तुम में भी कोई लक्षण है तो तुम इस ऐप पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हो, और लक्षण आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद तुमसे संपर्क करेगी और तुम्हारा उपचार कराएगी। ये तो घर बैठे बैठे कोरोना से बचाव का बड़ा अच्छा उपाय है प्रोफेसर साहब। तो इंतजार किस बात का, मोबाइल निकालो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। अच्छा प्रोफेसर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी मिली आपसे। अब चलते हैं, दूध लेने जा रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा आप। नमस्कार। ठीक है आत्माराम। का आत्माराम जी, कैसे हैं? अरे तिवारी जी, आप? हम तो बहुत बढ़िया हैं। बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, फैक्ट्री नहीं आ रहे आजकल। अरे हम तो कंप्यूटर वाले हैं, हमारा काम घर से हो सकता है। वैसे भी सरकार का कहना है कि जिनका काम घर से हो सके वो घर से काम करें, और कम से कम बाहर निकलें, बेवजह तो बिल्कुल ना निकलें। बहुत बढ़िया है, हम लोग को तो रोज़ जाना पड़ रहा है। ये बताओ, अभी भी सब लोग गोला में कहाँ खड़े हैं? लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है। यादव जी, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन बीमारी अभी फैल सकती है, इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाने की आवश्यकता है। इसी को तो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। सच बताएं तो पिछले 2 महीनों से अगल बगल के दुकान वालों ने ही संभाल रखा है, वरना भारी परेशानी हो जाती है आत्माराम जी। फिर भी लोग ये बात कहाँ समझते हैं भाई साहब। लॉकडाउन हटा नहीं कि फिर वही भारी सामान लोग ऑनलाइन खरीदने लगेंगे। अब तो देश की सरकार भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रही है, देश का खरीदो या देश को आगे बढ़ाओ। हमारे देश की जनता अगर भिड़ जाए तो क्या नहीं हो सकता है। इस महामारी में लोगों की सोच भी बदली है और जीने का तरीका भी। अब लोग कुछ भी खरीदने से पहले स्वदेशी ही अपनाएंगे। सच बताएं तिवारी जी, कभी कभी मन बहुत बोझिल हो जा रहा है। अब तो लग रहा है कि क्या पूरा जीवन ऐसे ही एहतियात बरतने में खत्म हो जाएगा। निराश मत हो भैया, मुश्किल समय है, दिक्कत तो होगी ही, लेकिन ये समय घबराने का या डर जाने का नहीं है, हिम्मत और धीरज से काम लेने का है। अच्छा तुम खुद ही देखो, पहले भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आया था, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, पोलियो, सबको जड़ से उखाड़ के फेंके कि नहीं हम लोग, कोरोना को भी फेंक देंगे जड़ से निकाल के। क्या भैया, संयम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया जी सही कह रहे हैं। अच्छा भैया अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। हिम्मत से ही तो काम ले रहे हैं भैया इतने दिनों से, लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी भाभी और बच्चा को कुछ ना हो जाए। घबराओ मत भैया, कोरोना का बहुत केस ठीक हुआ है, केवल उन्हीं लोगों को जान का खतरा है जिनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो। ऐसे में सरकार कहती है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 से उम्र के ज्यादा से बुजुर्ग घर में ही रहें या कम से कम बाहर निकलें। लॉकडाउन में घर में रहते रहते मानसिक स्थिति एकदम खराब हो गया है। हम तो इसीलिए रोज़ सुबह उठ के लॉकडाउन में ही योगा शुरू कर दिए थे। रोज़ सुबह छत पर जाकर हम सूर्य नमस्कार भी करते थे 10-15 मिनट। तुम भी शुरू कर दो, बहुत सुकून मिलता है। और आप जैसा, हमारे जैसा युवा दुनिया में साथ में रहेगा तो अच्छी से अच्छी बीमारी हम लोग दूर भगाए हैं, इस बीमारी से ज़रूर जीत जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, आज शाम से योग शुरू कर देंगे हम तो। मुश्किल समय है, बीच बीच में मन डगमगा जाता है, लेकिन मन को फिर से बुलंद करके एकजुट होकर इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। तो लो भैया आप चलते हैं, ये तो कोरोना तो बाद में मारेगा, तुम्हारी भाभी पहले मार देगी। चलो भैया ठीक है, ध्यान रखना भैया। ठीक है भैया, नमस्कार। सतर्क रहते हुए, इस जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। हर हिंदुस्तानी इस संकट की घड़ी का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि विजय होकर इससे बाहर निकलेगा। अब चाह भी है और राह भी है।